हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल छः बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ के बारे में तो दोस्तों फाइनली जाकर ये इशू आज हमको बंद होता हुआ दिखा काफी समय से ये इशू खुला था लेकिन आज ये आई की क्लोजिंग हमको देखने को मिल गई और आज आई क्लोज हो गया पाँच रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आई लेकर आई थी अगर आपको ये आई मिल जाता है तो ये बाध्या रखेगा हंड्रेड एंड सेवेंटी टू का आपको एक शेयर मिलेगा टोटल मिलाकर एटी सेवन शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे एक लॉट के अंदर फोन नाइनटी टू करोड़ का दोस्तों ये इशू था तो कह सकते हैं इशू छोटा भी नहीं था ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़ा था बट ठीक है सब तो आपको पता ही है सीधे दोस्तों बात करते हैं कितना सब्सक्रिप्शन आया है सो फ्रेंड्स शुरुआत के चार दिन थे इसके अंदर अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला था क्यू आई बी ने ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया एचन कैटेगरी ने करीबन बाईस गुना सब्सक्राइब किया रिटेल ने ऑलमोस्ट नाइनटीन टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब किया टोटल लगाकर फोटीन टाइम्स के आसपास ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ गया था चार दिनों के अंदर राइट अब चार दिन हो गए थे इशू को तो बट हमको पता था क्योंकि आखिरी दिन पैसा आने वाला है तो कितना पैसा आया आखिरी दिन चलिए ये देखता है सो आखिरी दिन भी कह सकते हैं कि क्यू ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस इशू के अंदर अट्ठाइस गुना दोस्तों यहाँ पर क्यू ने इस इशू को सब्सक्राइब किया करीबन 57 लाख शेयर्स ऑफर किए गए थे जिसके अंदर 16 करोड़ 50 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई क्यू ने कुल मिलाकर दोस्तों इस इशू में टू करोड़ रुपजी लगाए मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्यू ने इसके अंदर पुअर सब्सक्राइब किया यानी कुछ खास सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं क्यू की तरफ से आता हुआ नहीं दिखा है इस इशू के अंदर डेफिनेटली क्यू ने इस इशू से थोड़ी सी दूरी बनाई है अब रीज़न क्या है रीज़न मेरे हमसे देखिए सबसे बड़ी बात तो कंपनी खुद थी राइट right? जो आपको ने बताया था इसके पीछे का रीज़न की देखिए डेफिनेटली एक डिस्प्यूट चलता हुआ दिख रहा है कंपनी अपना आईपीओ काफ़ी लेट लेकर आती है कंपनी का अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो आई थिंक इस इश्यू के साथ बनी रही और आई थिंक वो सब चीज़ों को लेकर थोड़ा बहुत यहाँ पर फिनेशियल्स को लेकर आई थिंक एक दूरी जो है वो इस आई से बनती हुई नज़र आई क्यू की तो नो डाउट क्यू ने काफ़ी कम सब्सक्राइब किया देन आते हैं दोस्तों एचन आई कैटेगरी पर जो करीबन फोर्टी सिक्स टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई दिखिए फोर्टी टू लाख नाइनटी एट थाउजेंड शेयर ऑफर किए गए थे जिसके अंदर बीस करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आई कुल मिलाकर तीन हजार चार सौ पचास करोड़ रुपये जो है वो हमको एचनआई की तरफ से आते नजर आए इसमें जो बिग एच आई कैटरी थी तो वो फोर्टी वन पॉइंट सिक्स फाइव टाइम्स सब्सक्राइब हुई कुल मिलाकर ट्वेंटी एट लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड शेयर ऑफर किए गए थे जिसके सामने इलेवन करोड़ नाइनटी थ्री लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ देखा दो हज़ार बावन करोड़ रुपये टू जीरो फाइव टू करोड़ रुपी जो है वो बेसिकली बिग एच आई से है अब अगर आपने बिग एच आई कैटेगरी में लगाया तो एक बार ध्यान रखिएगा फोर्टी वन पॉइंट सिक्स फाइव टाइम अगर सब्सक्राइब हुआ है तो इसका मतलब यही है कि मोटा मोटी हर आठ में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा बिग एच के अंदर तो नो डाउट बिग एचन के अंदर भी अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट आपको होते हुए दिखा को मिलेंगे यानी अगर अपने में तो आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस हैं मतलब ऐसा नहीं कि खराब है नजर आएंगे स्मॉल एच कैटेगरी आती है जो फिफ्टी सिक्स पॉइंट सेवन थ्री टाइम सब्सक्राइब हुई कुल मिलाकर फोर्टी लाख थर्टी टू थाउजेंड शेयर ऑफर किए गए जिसके सामने एट करोड़ ट्वेल लाख आया के लिए एप्लीकेशन आया हंड नाइन करोड़ रुपीजी जो है वो स्मॉल एचनाई ने इस इशू में लगाए अगर आपने स्मॉल एनआई कैटेगरी में पैसा लगाया तो ये बात ध्यान रखिएगा आपके लॉट पटने के चांसेस हर 56.73 में से एक के ही रहेंगे राइट वहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज स्मॉल एचनाई जितना सब्सक्राइब हुआ है उतना ही यहाँ पर दिखाया जाता है सब्सक्रिप्शन बिग एचनाई में तो आपको पता ही है ये दस लाख की जरूर बिड लगा रहे हैं आप लेकिन आपको शेयर तो दो लाख से कुछ आसपास ही मिलेंगे सो इसलिए इसको डिवाइड हम फाइव से कर देते हैं जिनको नहीं पता है कि मैंने फाइव से डिवाइड क्यों किया तो उसके पीछे का रीजन ये था देन आते दोस्तों किस पर रिटेल कैटेगरी पे रिटेल पोर्शन दोस्तों करीबन ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन टू टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया करीब एक करोड़ शेयर ऑफर किए गए थे जिससे उन्हें ट्वेंटी सिक्स करोड़ नाइन्टी नाइन लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आया रिटेल ने फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी थ्री करोड़ रुपीज़ इशू में लगाया खास बात क्या है खास बात दोस्तों ये है कि रिटेल ने सबसे ज़्यादा दोस्तों इस इशू के अंदर पैसा लगाया एच एन आईज ने भी नहीं लगाया क्यू आई पी ने भी नहीं लगाया उतना ज़्यादा पैसा दोस्तों रिटेल ने लगा दिया कितना चार हजार छः सौ चालीस करोड़ एच ने तीन करोड़ लगाया तो क्यू ने तो दो करोड़ का एसपीसी लगाया लेकिन ये इशू में रिटेल ने भर के वैसा लगाया अब ये अपने आप में देखिए काफ़ी अलग बात है सो so, अब आपका क्वेश्चन होगा रिटेल में कितने में से कितने का डॉट वन मिलेगा तो देखिए सबसे बहुत तो एप्लीकेशंस कितनी आई हैं टू एट एट सेवन सेवन वन टू इतनी एप्लीकेशंस आई है इसको मल्टीप्लाई दोस्तों करना है आपको एटी सेवन से बिकॉज एक लॉट में एटी सेवन चेज़ है और डिवाइड कर दीजिएगा किससे वन डबल जीरो टू नाइन फाइव थ्री फाइव ये नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर किए गए तो इसके बाद दोस्तों वैल्यू आती है करीबन पच्चीस के आसपास तो रिटेल के अंदर अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि हर ट्वेंटी फाइव में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर आपने रिटेल में आई लगाया है तो हर पच्चीस में से एक के आने के चांसेज अलॉटमेंट के ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा इस तरीके की पॉसिबिलिटी रिटेल के अंदर रहने वाली तो अगर आपने रिटेल में लगाया तो आप समझ सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया थर्टी वन पॉइंट सिक्स नाइन टाइम्स यानी कंपनी को करीबन टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टी फोर करो के आसपास रिसीव होते हुए नजर आए मुझे ये सुनने में दोस्तों आया कि काफी लोगों ने अपनी बिड कैंसिल करी अगर कैंसिल करी तो डिफिनेटली है, कि कि है तो डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांसेस और आपको बढ़ते हुए नज़र आ जाएंगे बट क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं रहता कि कितना कैंसिल होता हुआ नजर आया तो उसके नाम कह नहीं सकते बट जो बड़ी बात है वो क्या है बड़ी बात यही है दोस्तों कि इस आई को सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता हुआ नजर आया ये अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है क्यों उसके पीछे का रीज़न भी दोस्तों साफ़ है क्या कि अभी जिस तरीके से मार्केट्स में आपको आज मिड कैप और स्मॉल कैप की पटाई होती हुई नज़र आई है ये एक अच्छा साइन नहीं है राइट अच्छा साइन किसके लिए नहीं है आई के लिए क्योंकि आई मार्केट भी याद रखिएगा बेसिकली है क्या वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां होती नजर आई है बहुत कम कंपनी होती है जो बहुत बड़ी कंपनीज बन जाती है लाइक बजाज हाउसिंग बाकी तो स्मॉल कंपनीज ही तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ तो ये बात है देखिए सबसे बड़ी कि यहाँ पर पैसा आपको ज़्यादा आता हुआ अगर नज़र नहीं आया तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ता हुआ नजर आ गया है हाँ एक रीजन कम पैसा क्यों आता हुआ नज़र है नजर आया वो तो डेफिनेटली ग्रे मार्केट जिस तरीके से ग्रे मार्केट में यहाँ पर एक गिरावट बनती हुई नजर आई वो भी एक फैक्टर था कि देखिए लोगों ने अपनी बिड को कैंसिल किया या फिर लोगों ने अप्लाई नहीं किया राइट ये भी एक रीज़न मुझे नज़र आया और क्योंकि दो आई ऑलरेडी खुले हुए थे तो उनमें भी पैसा आपको जाता हुआ नजर आया ये भी अपने आप एक फैक्टर है बाकी इस आई पी दोस्तों अलॉटमेंट हमको कल ही आता हुआ नजर आएगा डेट इज़ ट्वेंटी फ्राइडे को राइट और इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आएगी ऑन ट्वेंटी फोर्थ डैट इज़ ट्यूज़डे राइट तो यही सेम आपको डेट देखने को मिलेगी तो इन तीनों आईपीओ का कल अलॉटमेंट आने वाला है और तीनों आईपीओ आपको चौबीस तारीख को बाज़ार में लिस्ट भी होते हुए नज़र आएंगे बाकी अगर कर बात करता हूँ ग्रे मार्केट के बारे में तो ग्रे मार्केट तो देखिए इसकी ऑलमोस्ट आपको पंद्रह पर आती हुई नज़र आ गई है ग्रे मार्केट में बड़ी गिरावट है और ये आपको मैंने बता दिया था जब हमने ग्रे मार्केट का वीडियो बनाया था तब भी आपको नहीं कहा था कि ग्रे मार्केट में बहुत तेज़ी से इसकी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो मेन आई पी ग्रे मार्केट में आज गिरावट अच्छी खासी देखने को मिली है राइट तो ये देखते हैं आप ग्रे मार्केट कहाँ पर जाकर रुकती है सब्सक्रिप्शन कम आने के कारण देखिए ग्रे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे फसल जाए बट लेट्स सी लिस्टिंग कहाँ पर होती नजर आती है अगर आपने लगाया है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने लगाया है या फिर आपने अवॉइड किया ये बताइए कि आपने अवॉइड के पीछे का रीज़न क्या था ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बट नो डाउट इस इशू की लिस्टिंग कहाँ पर होगी ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है बिकॉज इस इशू के अंदर अगर देखा जाए तो क्यू आई बीज पैसा उतना आता हुआ नज़र नहीं आया रिटेल ने जरूर लगाया एचन आई ने ज़रूर लगाया बट क्यू आई थोड़ा सा दूर रहते हुए नजर आए बट स्टिल लेट्स होता कहाँ पर लिस्ट क्योंकि कंपनी को पैसा तो मिलेगा दस करोड़ के आसपास राइट आप कंपनी को चाहिए तो इतना नहीं तो वो तो सब्सक्रिप्शन तो है ही है बट लिस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज पैसा बन पाता है कि नहीं बन पाता है देखने वाली बात रहेगी इस आई की तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा एंड डेफिनेटली सारे वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं हमने सारे वीडियोज़ भले वो आर्किट पर हो नॉर्दर्न आर्क पर हो दोनों वीडियोस दोस्तों बेसिकली यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर क्या सब्सक्रिप्शन कितना आता हुआ नजर आया अलॉटमेंट के चांसेस के रहने वाले हैं कि हर एक सेपरेट वीडियो हम अपलोड कर दिया है तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जिन लोगों ने आईपी में लगाया उनको पता चले कि कितने में से कितनों को अलॉटमेंट मिलेगा और ग्रे मार्केट कितनी है थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो